हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेटेस्ट जो मॉडल पेपर आ रखा है ना, लेटेस्ट ऑफिशियल 2022-23 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग विषय गणित, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे बोला गया है, खंड अ में एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है। अगर बेटा परिमेय संख्या है तो उसका जो दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा, कैसा होगा, शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है। मैं आपको भाई एग्जाम्पल देता हूँ। शून्येतर परिमेय संख्या, जैसे कि एक परिमेय संख्या आपने 2 ले लिया, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या ले लिया आपने √3। ठीक है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय, इन दोनों को अगर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहे हैं, रेखाओं इतना और इतना का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक्स के जगह पर 0 रख देना है, 2 × 0, 3 + y = 12। ठीक है, यहाँ से यहाँ सिर्फ 3 y आ जाएगा, 12, 3 से काटोगे 3 × 4 = 12, तो y का मान आ जाएगा 4। आपसे बिंदु बोला है तो बिंदु में पहले x होता है फिर y होता है, x का मान 0 है और y का मान 4 है, तो बिंदु हो जाएगा 0, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहे हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बोला है, 70 कितना शेषफल देता है, 5, तो 70 में से 5 घटा दो तो 65 शेषफल बोलते ही। ठीक है, 125 में से तुम 8 घटा दो तो 117। क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि HCF निकालना है। ठीक है, तो 65 और 117 का HCF कितना होता है, 13। HCF निकालना आपको आता ही होगा। ठीक है, इसका फुल सॉल्यूशन, खंड जितने भी है ना, फुल सॉल्यूशन मैंने पेपर पे ऑलरेडी करा रखा है, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कहते समीकरण ये चीज़ और ये चीज़ का कोई भी हल नहीं है यदि एक का मान क्या होगा। कोई भी हल नहीं है, उसकी कंडीशन क्या होती है, a1 / a2 b1 / b2 बराबर नहीं होता है c1 / c2, ये हमारी कंडीशन होती है कि नहीं। सो a1 का मान कितना है, x का गुणज 2 है, a2 का मान कितना है, 3 है, b1 का मान कितना है, ये y का गुणज a, और b2 का मान क्या है, -5। ठीक है, तो ये तिरछे गुणा कर दोगे, 5 × -10 और ये √3, आंसर आ जाएगा माइनस के, स्टार्टिंग के दोनों को लेना है। ठीक है, -10/3, ये ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में क्या कह सकते हैं आप, विव्यक्तिकर शून्य, विव्यक्तिकर के बारे में पूछ रहा है जनरली आपसे। विव्यक्तिकर का सूत्र क्या होता है बेटा, d = b² - k4ac, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a का मान कितना है, 2, b का मान -4 और c का मान 3 है, सूत्र में रख दीजिए, b कितना है, -4 स्क्वायर, a का मान 2, c का मान 3, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस होता है, 4 × 16, 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24, तो 16 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का आटा नेगेटिव आ गया। जब d का मान नेगेटिव होता है ना, तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और भी चीज़ें, दिए गए समीकरण का विव्यक्तिकर शून्य से कम है, तो शून्य से कम आ रहा है, ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला गया है, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतने इतने और इतने हैं, इसका विकर्ण क्या होगा। सो बच्चों, आयत बोल रखा है, ये देखिए बेटा आयत ए ओ बी सी, ठीक है, आप देखो बेटा ये ए दे रखा है, ये ओ, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा, बिंदु आपको दे रखे हैं क्या, 0, 3, और विकर्ण बोले तो ये ए बी, और बी आपको दे रखा है 5, 0, तो ए बी यानी कि ए और बी के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, x2 − x1 का स्क्वायर y2 − y1 का स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। तो देखो बेटा, ये आपका x2, ये आपका y2,
ये आपका एक्स वन, ये आपका वाई वन, सूत्र में रख दीजिए तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 का वर्ग, 0 माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, 5 में से 0 कटाएंगे, 5 आएगा, 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग कितना होता है, 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 34। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, कह रहे हैं यदि समीकरण, इस समीकरण का एक मूल 1/2 है तो k का मान क्या होगा। मूल एक दे रखा है, अब मूल दे रखा है यानी कि इस द्विघात समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है, x के जगह पर 1/2 रखने पर, x के जगह पर 1/2 रख दीजिए, ये माइनस के 5/4 इधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस के 5/4, यहाँ से हो गया 1/4 और यहाँ से के कम के 1/2 5/4। ठीक है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, देखो नीचे लॉस ऑफ पास 4 है दोनों में तो 4 ही आ जाएगा, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे के वैसे आ जाते हैं, 4/4, 4 एक कम 4, k/2 का मान 1 आ गया, k 2 एक कम 2, आंसर k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, देखो बेटा क्या बोल रहा है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, बिल्कुल सही बात है, इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, बिल्कुल सही बात है, उपयुक्त दोनों, तो ऑप्शन नंबर ये जो है बेटा तीसरा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन दोनों सही है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में सी 90 डिग्री है, ए सी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। ठीक है, तो मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, मैं पहले समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, क्या बोला गया, सी सी ये सी है तो यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर ए होगा, ये वाला 90 बोला गया है। ठीक है, आपको बोला गया कि ए सी, ए सी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो इसका मान आ जाएगा, अगर आपको कर्ण निकालना है ना, तो जो आधार है उसका वर्ग करना होता है और जो लंबे है उसका वर्ग करके जोड़ देना होता है, तो यह आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25 यानी कि 5। ठीक है, और उसका आधा करने के लिए बोला है माध्यिका, तो 2 से भाग दोगे तो ये कितना, 2.5, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ इतनी और इतनी है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको मैं यहीं पे बना के दिखाता हूँ, समचतुर्भुज देखो बेटा, ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती हैं, हमें विकर्ण दे रखा है, ये एक विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है, ये आपस में बीच में प्रतिच्छेद करती हैं, इस पूरे विकर्ण की जो लंबाई है, एक 16 है और एक 12 है, तो और ये बीच में 90° का कोण बनाती है। ठीक है, अगर ये 16 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 8, और अगर ये वाला 12 है, ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा उसका आधा 6। तो आपको इस भुजा की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो फिर से क्या लगा दोगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, क्योंकि ये 90° के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, 8 का वर्ग 6 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी कि 100, 100 का वर्गमूल 10, तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन देखो 10 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इस अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो दो त्रिभुज समरूप बोला है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो जो अनुपात दे रखा है ना उसका बस वर्ग कर दो, तो 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, आंसर आ जाएगा 16:81, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, इसका मान दे रखा है, देखो 10 थीटा का मान है, ये 4 × 1/2 में आ जाएगा, तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, 4 sin θ - cos θ बट्टे में 4 sin θ + cos θ, हमें 10 थीटा का मान दे रखा है, 10 कब होता है बेटा, 10 होता है जब साइन के बट्टे में कॉस होता है। ठीक है,
तो साइन के बट्टे में कॉस होता है, तो मैं ऊपर नीचे कॉस से भाग दे दूंगा, हर एक पद में ऊपर भी नीचे भी, एक जगह नहीं दे सकते, जो काम करूंगा ऊपर नीचे करूंगा। देखो बेटा, साइन साइन बट्टा कॉस क्या होता है, 10 थीटा, और कॉस से कॉस कटा एक आ गया, नीचे भी वही चीज़ है, बस प्लस है। 10 थीटा का मान मुझे पता है, 3/4, ये मैंने रख देना है, 4 से 4 कटा, ऊपर आ गया, 3 में से घटाएंगे 2, नीचे आ गया 4, 2 1 कम 2, 2 2 4, आंसर कितना जाएगा बच्चों, 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो बेटा, साइन 75/cos 15, देखो 75 और 15 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 1, सिंपल ट्रिक। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो बेटा, एक वृत्त है, एक वर्ग है, मान लेते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो आर है और इस वर्ग की भुजा है वो ए है। वृत्त का परिमाप और इसका परिमाप, देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है बेटा, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, और इसका परिमाप होता है 4 × भुजा, 2 × 4, ये 2 × मीटर बट्टे में आ गए, तो ए का मान मुझे मिल गया πr/2। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि पहले आ जाएगा πr² और इसका होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा का मान मुझे पता है πr/2, वर्ग कर दो, यहाँ से हो जाएगा πr² 2 का वर्ग 4। देखो बेटा, r² से r² कैंसिल, बट्टे का 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है, यहाँ π² है, एक पाई कैंसिल, ऊपर बचा 4, ऊपर 4 बचा, नीचे बचा कितना, सिर्फ पाई। पाई का मान कितना होता है जनरली, 22/7 लेते हैं, तो 4 नीचे रख दिया, 22/7, बट्टे का 7 कहाँ जाएगा, ऊपर, 4 × 7/2 आ गया 22, 2 × 4 2 1 कम 2 1 कम, है ना, 7 × 14/11, तो आंसर आ जाएगा 14:11। ठीक है, 14:11 ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या बोला जा रहा है आपसे, दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। दो गोले दे रखे हैं, ध्यान से देखिए, एक गोला है, ये दूसरा गोला है, इसकी त्रिज्या R1 मान लो, इसकी त्रिज्या R2 मान लो, गोले के आयतनों का अनुपात, पहले वाले का गोले आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³, 4/3 πr² क्यूब, इससे ये कटा, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में 64/27। ठीक है, 64 को मैं लिख सकता हूँ, इधर बचा, इसकी घात भी 3 है, इसकी घात भी 3 है, तो R1/R2 टोटल की घात 3 हो जाएगी, 64 को लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64, 4 की घात 3, और इसको लिख सकते हैं 3 3 9 3 7, 4/3 की घात 3, 3 से 3 कटा, R1/R2 का मान है 4/3, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उपयोग करेंगे। प्रश्न में बोला उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² 4π, अनुपात का मतलब बट्टे में, R2² 4π से 4π कैंसिल, उसका भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो R1/R2 का टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, R1/R2 का मान कितना है, 4/3 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, आंसर आ जाएगा 16:9, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ 17वें क्वेश्चन में, 17वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 10 तक विषम संख्या कौन कौन सी, 1 3 5 7 9, 10 के अंदर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से आपको भाग देना है, 9 और 1 10 20, 5 25/5, 5 25, तो आंसर आ जाएगा 5, समांतर माध्य 5 होगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, आलेखीय विधि तो किससे प्राप्त किया जाता है माध्यिका, तोरण द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि कुछ परीक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक
45 है, तो माध्यिका क्या होगी? तो एक संबंध आपको पता होगा कि जो बहुलक होता है वो किसके बराबर होता है? 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य होते हैं। ठीक, ये सूत्र आपको पता होगा, बहुलक क्वेश्चन में दे रखा है 45, आपको माध्यिका निकालना है 3 माध्यिका, और माध्य आपको दे रखा है 27, 27 दूनी 54 है ना, माइनस का 54 इधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस का 54। 3 माध्यिका जोड़ो, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, आंसर आ जाएगा 33। ये आपका आंसर आ गया। अगले वाले प्रश्न में आ जाइए। वर्गीकृत आंकड़ों की अधिक प्रकार से कम प्रकार की संचय बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होता है क्या? माध्य, माध्यक, बहुलक। ठीक है, वक्र से आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है माध्यक। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 2 से विभाज्य है, ये कथन सत्य है या असत्य? देखो बेटा, एक एक क्वेश्चन मैंने पेपर पेन में सॉल्व करा रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन पे इनके लिंक भी डाल दूंगा, खंड बॉक हो ये सब भी लिख दूंगा, आप जाके बस देख लेना। अगला क्वेश्चन है, कॉट थीटा का मान इतना हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए, एनसीईआरटी का प्रश्न है, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल ही रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकुआकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है, पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है, बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, समांतर माध्य ज्ञात करना है इसका। ठीक है, ये बिंदु इस बिंदु को किस में अनुपात में विभाजित करता है वो निकालना है, के का मान ज्ञात कीजिए अगर ये तीनों बिंदु संरेख ही हैं। शानदार क्वेश्चन है, ग्राफी विधि से इस समीकरण को हल करना है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का एक प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्र वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। ये प्रश्न 11.2 का प्रश्न है, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर हैं, ये समतल भूमि पर खड़े हैं, इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। और फिर इस आंकड़े का आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। सारे क्वेश्चन जानदार शानदार हैं और सब कुछ मैंने करा रखा है। अगला क्वेश्चन है, आपको माध्यक दे रखा है, आपको ये जो एक्स है और ये जो वाई है ये आपको ज्ञात करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर पूछा गया है, इसको हल करना है। और ये क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की आयु का वर्षों का व्युत्क्रम, अब से 5 वर्ष आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बोला गया, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण इतने हैं और इतने हैं, तो भवन की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। ये भी सब कुछ करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, अगर आपको विश्वास नहीं होता एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करो। ठीक है, और अगर आप सारे सब्जेक्ट के जो स्टडी मटेरियल वो आपको mathematicanalysis.in पर मिल जाएंगे।